नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला प्रश्नों स्थित नूरपुर की, जहां नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में देर रात महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य बिजनौर के रामलीला मैदान में सैन्य विकास महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष बीती रात नूरपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए पहुंचे थे, तभी गाड़ी निकालने को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अध्यक्ष के लोगों के साथ बदतमीजी करने का मामला प्रकाश में आया। मामले को लेकर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया, आज 16 नवंबर को महान दल की रैली है बिजनौर में। कल मैं रात में 11 बजे यहाँ जब पहुंचा तो 2-3 गाड़ियां मेरे साथ थी। हम लोग गाड़ी खड़ी करके अंदर आए, इतने में कोई गाड़ी बाहर से आई और वो जोर जोर हॉर्न बजाती रही करीब 2-3 मिनट तक। फिर वो उतर कर हमारे ड्राइवर से और यहाँ के गार्ड से जोर जोर झगड़ा करने लगे और महान दल को गाली देने लगे कि भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे तो आज महान दल की गाड़ियाँ अंदर कैसे आई। तो हमने अपने बेटे और प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी थे, हमारे बेटे किशन थे, उनको भेजा। मैंने कहा देखो कोई मारपीट ना हो, समझा बुझा कर काम करा दो। तो नशे में धुत थे 3 लड़के और उन्होंने गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो सुमार जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि गाड़ी निकलने पर की जगह तो है, आपको गाड़ी हटवाना था। कहने नहीं गाड़ी हटवाइए। तो चूंकि गाड़ी जिसकी थी वो बाहर चला गया था, तो चाबी मंगाई गई, लेकिन वो इतना बवाल कर रहे थे, मारपीट में उतर गए। तो मैं निकला, मैं जबकि ड्रेस में नहीं था, लोअर टी शर्ट पहना था, तो मैं बाहर निकला तो मैंने हाथ जोड़ा और मैंने मारपीट न करने के लिए निवेदन किया कि आप झगड़ा ना करें। मैंने बुलाया, इतने वो लड़का जिसकी गाड़ी थी चाबी लेके आ गया, गाड़ी हटा के किनारे किया। उतने पुण्य संतों ने कहा गाड़ी बाहर करिए, हम अंदर की गाड़ी अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, तो आपको पता है कि वो नूरपुर के थे या कहीं और से आए थे? मुझे, मैं तो उन्हें जानता नहीं, लेकिन वो नशे में धुत थे और लोकल थे, ये गार्ड ने बताया कि यहीं आसपास के कहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी से थे वो? मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन ये है कि बीजेपी सॉरी जो गार्ड है उसने बताया गोरक्षा दल के लोग थे वो लोग। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, रात से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, त्वरित कार्रवाई की पुलिस ने, यहाँ सिक्योरिटी लगवा दी रात। तो क्या आपने तहरीर दे दी है थाने पर? हाँ, थाने पर ने तहरीर दे दी। रात में एसओ साहब आए भी थे, अभी भी एसओ साहब आए थे, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्होंने रात में उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पे बड़े मुझे हैरत है कि वो यहाँ 10-12 मिनट थे तब तक पुलिस नहीं, जब पुलिस को इन्फॉर्म नहीं था। जब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस 5 मिनट बाद आई, उसके वो 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले चले गए। जैसे लगता है कि दोनों टाइमिंग मैच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद मुझे लालच दिया और सपा से हटकर भाजपा के साथ आने के लिए एक बात की। तो हो सकता है मैंने मना कर दिया, उसका रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी मुझे डराना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक नईमुल हसन ने बताया, रात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद जी बिजनौर में, क्योंकि आज रैली है, उसके संबंध में यहाँ गेस्ट हाउस आए थे। कुछ असामाजिक तत्व जिनकी पहचान कर ली गई है और जैसा चौकीदार ने उनका नाम भी बताया है, जिस तरह की उन्होंने ये हरकत की है, हम पुलिस से मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके ऊपर FIR की हमने तहरीर दे दी है और FIR करा करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ये थाने में तहरीर जो दी है कब दी गई है? अभी हम लोगों ने लिख करके भी दी है, अभी दी है। जी जी। तो ये जो मामला है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी वालों ने क्या? साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़ों को सम्मान मिले, पिछड़े आगे आए, अगड़ों और पिछड़ों की जो आगे आने वाली सरकार 2022 में माननीय केशव राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य जी जितनी मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुभन है और वो कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है। तो क्या आपको पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है? 100% हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन मैं तो 100% मानता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।